हेलो रूना, ये माशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखेंगे बहुत ही टेस्टी साबूदाना के पापड़। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मुंह में डालते ही पिघल जाते हैं और बहुत ही नाइस पतले पतले हमने बनाए हैं। तो इसकी रेसिपी आज हम देखने वाले हैं। तो स्पेशली व्रत के टाइम में ही इस तरीके के पापड़ खाए जाते हैं, बट आप इसे कभी भी किसी भी टाइम पे खा सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, आज हम बहुत आसान तरीके से देखने वाले हैं। इस पापड़ को कोई भी देखेगा तो उसे यकीन नहीं होगा कि ये साबूदाना से बने हुए पापड़ हैं, इतने पतले और बहुत ही ज़्यादा नाइस क्रिस्पी। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 कप साबूदाना लिया है और इसे मैंने क्लीन करके लिया है अच्छे से। तो किसी भी 1 कप या कटोरी का नाप लेके ही आपको ये साबूदाना लेना है। तो इसे हमें 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करना है, इसमें बहुत सारा डर्ट होता है। तो इसी तरीके से 2-3 बार हम इसे वॉश करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के, जितना कि साबूदाना डिप हो सकता है उतना पानी डाल के हम इसे रात भर के लिए छोड़ेंगे। आप इसे 4 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। तो मैं इसे अभी रात भर के लिए छोड़ रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसे भिगोते टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना पानी रखा है इसके ऊपर, साबूदाना डीप होके इतना पानी ऊपर है, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डाला है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह हो चुकी है और साबूदाना इस तरीके से भीग चुका है। मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाला था सो इसलिए ये स्टिकी बना है, मुझे एक्चुअली स्टिकी ही चाहिए था। तो इस तरीके से बनाए, अब हम इसे साइड में रख देते हैं और एक कढ़ाई में हमें पानी लेना है। तो यहाँ मैंने नॉनस्टिक की कढ़ाई ली है, जिस कप से हमने साबूदाना लिया था उसी कप का हमें यह नाप लेना है। 1 कप हमने साबूदाना लिया था उसी कप से हम 7 कप इसमें पानी डालेंगे। तो आप ये मेजरमेंट परफेक्ट है, याद रखिए इसी नाप से आप बनाएंगे तो ये परफेक्ट बैटर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ हम नमक डालेंगे, स्वादानुसार आप इसमें नमक डालिए। तो नमक आप बाद में ही डाल सकते हैं, चेक करके अभी थोड़ा डालिए और फिर जब बैटर रेडी होता है तब आप इसे टेस्ट करके देखिए और फिर चाहे तो डाल सकते हैं। तो उबाल आने के बाद हमें इसमें साबूदाना डालना है। तो अभी पानी में उबाल आ चुका है, हम इस साबूदाना को इसमें डालेंगे। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टिकी है तो बहुत ही बढ़िया होगा क्योंकि बहुत जल्दी ये पकता है। तो इसी तरीके से डाल के हम इसे पकाएंगे। आप चाहे तो बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं, बट इससे बड़ी कढ़ाई मेरे पास नहीं थी, नॉनस्टिक की कढ़ाई है तो बहुत ही आसान हो जाता है, नहीं तो कभी कभार नीचे चिपकने का डर रहता है। सो इसलिए मैंने यह नॉनस्टिक की कढ़ाई का ही यूज़ किया है। तो इसे उबालने के लिए रखते हैं, जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता तब तक हम इसे पकाएंगे। करीब 10 मिनट में ये रेडी हो जाता है। तो गैस की फ्लेम हमें तेज ही रखनी है, हाई गैस के फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे। तो बीच बीच में इस तरीके से हम चलाएंगे इसे और फिर उबालने के लिए रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें बढ़िया तरीके से उबाल आ रहा है और थोड़ा सा साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो और थोड़ा सा हमें इसे पकाना है। तो फ्रेंड्स, आप कितनी क्वांटिटी में इसे बना रहे हैं और आपने गैस की फ्लेम किस तरीके से रखी है उसी पे डिपेंड होता है कि इसे पकने के लिए कितना टाइम लगता है। लेकिन जब ये साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं तो आपके समझ में आ जाता है कि ये पक चुके हैं। और फ्रेंड्स, आपने इसे ज़्यादा पकाया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बढ़िया पापड़ बन जाते हैं। बट आपने इसे अच्छी तरीके से नहीं पकाया तो पापड़ बनने के बाद जल्दी टूटते हैं, इसका राउंड शेप नहीं बनता। सो इसीलिए अच्छी तरीके से पका के लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर भी ट्रांसपेरेंट हो चुका है, अभी ये 80% तक पक चुके हैं। तो हम इसे ढक के रखेंगे और गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है तो ये अंदर ही अंदर पक जाएंगे। करीब 10 मिनट्स तक हम इसे इसी तरीके से ढक के रखेंगे। तो इसे थोड़ी देर के बाद ये ठंडा हो जाता है। तो देखिए इस तरीके का बन चुका है, तो बहुत ही बढ़िया पक चुके हैं जो साबूदाना थे वो, आपको देखते ही पता चला होगा कि बढ़िया तरीके से ये पक चुका है। तो हम
तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से भी पापड़ बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। बट मुझे बहुत ही नाइस और पतले पापड़ बनाने हैं तो इसीलिए मैं इसे मिक्सी में पीस के ले रही हूँ। तो देखिए इस तरीके की पेस्ट बनी है। तो बाकी का सभी बैटर मैं इसी तरीके से पीस के लेती हूँ। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया पापड़ बनते हैं इस ट्रिक से। ये थोड़ा सा नया तरीका है, आपने इस तरीके से बनाए नहीं तो बना के देखिए ज़रूर। तो अब मैं एक स्मॉल बाउल में थोड़ा सा बैटर अलग से रख रही हूँ क्योंकि मैं इसमें जीरा ऐड करने वाली हूँ। व्रत के टाइम में हम जीरा ऐड नहीं करते, जीरा नहीं खाते, इसलिए मैं सेपरेट इसे थोड़ा सा बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए एक्चुअली। तो इसमें मैंने हाफ स्पून जीरा डाला है और नमक भी मैंने चेक करके देखा था, परफेक्ट नमक है। तो इसे हम इस तरीके से मिक्स करेंगे और ये जो पतीले में बैटर है उससे हम व्रत के पापड़ बनाएंगे। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से पापड़ बनाएंगे। तो आपको किसी भी तरीके की बैंगल्स लेनी है, ग्लास बैंगल्स है तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो इस तरीके से हम रखेंगे और इसके बीच में हम बैटर डालेंगे तो परफेक्ट राउंड शेप बनता है और जो सभी पापड़ हम बनाने वाले हैं वो सेम साइज़ में सेम थिकनेस में बनते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो आप इस तरीके से भी पापड़ बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये पड़ी है एक्चुअली, ये स्मॉल जो मिलती है उसी का यूज़ किया है। उससे हमें पता चलता है कि हमें कितना बैटर डालना है और जो बैंगल है उसी के साइज़ में हम इसमें बैटर डालेंगे तो कम ज़्यादा होने का कोई चांस ही नहीं होता। तो इसी तरीके से मैंने ग्लास के जो बैंगल्स होते हैं वो लिए हैं और फिर हम दूसरी तरफ रखेंगे और बनाएंगे। और एक तरीका है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, इसी तरीके से हम पहले से ये बनाते आ रहे पापड़। तो आप इन दोनों में से कौन सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक का शीट लिया है। एक्चुअली प्लास्टिक का शीट के ऊपर हम कुछ भी बनाएंगे तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बट ये जो बैटर है पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। आप जब ठंडा बैटर या कुछ भी बना रहे हैं तो गर्म होगा तो ही हेल्थ के लिए डेंजर है, बट इस तरीके से ठंडा होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता फ्रेंड्स। तो पापड़ बनाने के साथ साथ आपको सेहत का भी ख्याल रखना है। तो आप इसे वाइट कलर के कॉटन क्लॉथ में भी बना सकते हैं, बट मैंने एक बार बना के देखा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा चिपकता है और परफेक्ट राउंड पापड़ नहीं मिलते। सो इसीलिए मैंने इसी तरह से एक पेपर ख़रीदा है और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया है फ्रेंड्स। इस प्लास्टिक के शीट को लेके करीब 2 साल हो चुके हैं। मैंने सिर्फ इसी के लिए लिया था, समर में जो हम आइटम बनाते हैं उसी के लिए मैंने सेपरेट रखा है इसे। और इसी के साथ में मैंने वाइट कलर का कॉटन का क्लोथ यानी बेडशीट लिया था और वो भी मैंने इसी के लिए 2 बेडशीट सेपरेट रखे है। तो इसमें मैं सभी जो समर के आइटम हम बनाते हैं वो सब मैं उसी में ही बनाती हूँ। तो देखिए इतने सारे पापड़ बने हैं एक कप, सिर्फ एक कप साबुदाना से। तो इसे आज हम पूरे दिन सुखाएंगे। तो अभी 5 o'clock हुए हैं, हम देखते हैं ये बन चुका है या नहीं। तो देखिए परफेक्ट ये सूख चुके हैं। सूखने के बाद हमें इसे निकालना भी नहीं पड़ता, ये सूखने के बाद ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं पेपर से। आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से निकल रहे हैं। तो आप जब इसे क्लोथ पे बनाएंगे तो बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स। सो इसीलिए आप इस तरीके से प्लास्टिक शीट पे बनाइए। बट बनाते टाइम एक ही बात याद रखिए कि बैटर थोड़ा भी गर्म नहीं होना चाहिए, बैटर ठंडा होने के बाद ही हमें इस पापड़ को बनाना है। तो आप देख सकते हैं कितने पतले और प्यारे प्यारे पापड़ बने हैं, टूटे भी नहीं है, परफेक्ट राउंड शेप में बनाए हैं मैंने। तो यह देखिए, तो एक दिन के बाद दूसरे दिन मैंने इसे सुखा के लिया है अच्छे से क्योंकि आप हम इसे 1 साल तक स्टोर करके रखने वाले हैं इसीलिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बढ़िया पापड़ बन चुके हैं। इसे देखते पता नहीं चलता कि ये साबुदाना से बने हुए हैं। और इसे फ्राई करने के बाद जब आप इसे खाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी पिघल जाते हैं।
और आपने इस पापड़ को थिक साइज़ में बनाया तो क्या होता है कि ये खाते टाइम पतले पापड़ खाने में जो मज़ा है उतना आता नहीं, बट वो भी अच्छे बनते हैं, फूलते हैं, डबल फूलते हैं थिक बनाए तो ये इतने फूलते नहीं, बट इसकी टेस्ट मुझे बहुत ही पसंद है। तो हर साल मैं इसी तरीके के पापड़ बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस समर में इस तरीके के पापड़ ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत ही फटाफट से बनते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत की हमें यह आवश्यकता ही नहीं है। तो और स्पेशली बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैं आपको इसे फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से बनते हैं फ्राई करने के बाद, तो देखिए बढ़िया तरीके से बने हैं और बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही पतले हैं, आप देख सकते हैं। और इसे खाते टाइम बहुत ही मज़ा आता है फ्रेंड्स, सच में आप जब इसे बनाएंगे तो आपके परफेक्ट समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस या मेरा कुकिंग स्टाइल बनाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा'स टेस्टी वर्ल्ड।